हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे और आप सभी लोग जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को उसी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे मेरे द्वारा। अब देखिए, आप सभी लोगों का जो पहले रिज़ल्ट जारी किया गया था, जो रिज़ल्ट जारी होने वाला था आप सभी लोगों का, उसे पूरा 65% बनाया गया था। ठीक है, अब आयोग ये कह रही है कि पहले आप सभी लोगों का रिज़ल्ट 65% बनाया गया था, अब जो पूरी प्रक्रिया है फिर से 50% पर आप सभी लोगों का रिज़ल्ट बनाया जा रहा है तो डिले हो रहा है। ये आयोग ने एक्सक्यूज़ दिया है और ये बात सही है, क्योंकि आप सभी लोगों का रोस्टर जो जारी हुआ था पहले 65% पर जारी हुआ था, अब इसे 50% पर जारी करने की मांग की जा रही है, जिसके संबंध में पूरे ज़िले में नोटिस भी दिया था कि आप लोगों की जितनी रिक्ति है ये दें। और इससे आप सभी लोगों का ये फ़ायदा था, क्योंकि अगर आप सभी लोगों का जो 65% पर जो सीट आया था तो किसी कैटेगरी में कम किसी कैटेगरी में ज़्यादा सीट थी, अब अगर 50% पर रोस्टर जारी होता है तो यहाँ से जो है कि किस कैटेगरी में सीट बढ़ भी सकती है तो किसी में घट भी सकती है। ठीक है, और अभी जो है कि बहुत सारे ऐसे विभाग है जिसके जिसको लेकर के बीपीएससी काम करती है, तो उन सभी विभाग के अभी पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग वर्क है, जैसे कि प्रधानाध्यापक हो गया, हेड टीचर वाले हो गए, हेड मास्टर वाले, तो इन सभी लोगों का भी काम साथ ही साथ चल रहा है, जिसके कारण ये और डिले हो रहा है। ठीक है, जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बाद जारी हो जाएगा, ऐसा चांसेस बेहद कम है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी आप सभी लोगों का सितंबर चल रहा है, 26 तारीख आज आप सभी लोगों का हो गया, अक्टूबर तक आप सभी लोगों का वही आंसर की रोस्टर का पूरा माहौल देखने को मिलेगा आप सभी लोगों को। नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आप सभी लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और भी डिले हो सकता है, क्योंकि आयोग को क्या है ना कि एक कोई कारण चाहिए डिले करने के लिए। ठीक है, नहीं तो अगर इन्हें डायरेक्ट अगर जारी करना होता तो कब तक ये लोग इस काम को पूरा कर दे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ना, टीआरई 2.0 में आप सभी लोग एग्ज़ाम देकर के आ रहे थे और शाम में आप सभी लोगों का आंसर किया जा रहा था, इतना फास्ट वर्क हुआ था। उस समय भी आयोग के पास बहुत सारे काम थे, तभी भी आयोग ने एक दिन के अंदर काम किया था, बट क्या पता इस बार कितने सारे काम आ गए हैं आयोग के पास कि ये लोग पूरे काम को अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को सारी जानकारी बता दी। अगर यहाँ से कुछ पूछना है तो आप सभी लोग फर्दर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।